नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो चला रखा था कि जो मुहिम छेड़ रखी थी हमने कि 30 तारीख के लगभग एग्ज़ाम होने वाली, उससे पहले कोर्स करवाने की, उसी मुहिम को बरकरार रखते हुए हम आज जो प्रश्नावली हमारी चल रही थी, सातवीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति, उसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, हमने त्रिकोणमिति में कुछ बातें कर ली थी। हमने देखिए क्या क्या कर लिया था आपने। त्रिकोणमिति में जो सातवीं प्रश्नावली थी 7.1, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अभी एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो इसको देखते हुए मैं इस प्रश्न को इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 7.1 है उसके 1 से लेकर 16 प्रश्न हमने निकाल लिए थे विद्यार्थियों। अब मेरा प्रयास यही है कि आपको कम समय में सार्थक चीज़ें प्राप्त हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने 5 सूत्रों के बारे में अध्ययन किया। उन 5 सूत्रों के बारे में रिपीट कर देता हूँ एक बार, मैं उन्हीं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। पहला सूत्र जो हमारे पास क्या था, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, 1 बटे साइन थीटा। दूसरा सूत्र आपने देखा कि सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। दूसरा सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। देखो सूत्र, ये चीज़ आए तो ये परिवर्तन करना है, ये आए तो ये परिवर्तन करना है, दोनों आपस में चेंज होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सूत्र हमने देखा था, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अर्थात दोनों बड़े भाई एक जगह, तो उनका मान कितना होता है, 1। अभी यदि ये प्लस का इधर किसमें गया, माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर, या 1 माइनस साइन स्क्वेयर ये क्या लिख सकते हैं, हम कोस स्क्वेयर। इसके बाद अगला सूत्र हमारे पास ये देखा हमने कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसके बाद हमने देखा एक और सूत्र, कोट थीटा। कौन सा देखा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति के 5 सूत्र हैं और इन्हीं के साथ से हम लगभग प्रश्नों को हल कर कोशिश करेंगे कि लगभग आपका ये 5 सूत्र है इसके साथ पूरा पोर्शन हल हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बेसिक गणित की सर्वसम इकाई है जो आपने 9th क्लास में अध्ययन की होगी और मैंने उनके बारे में पहले वीडियो में आपको बता भी दिया था, अवगत करा दिया था। आप उस वीडियो क्लास को देखिए और फिर भी इसे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का जरूर जवाब जरूर मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो प्रश्न संख्या 16 तक तो कर लिया, 17 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 2 या 3 प्रश्न थोड़ी लेंथी है, उन्हें एक वीडियो अलग से डाल दूंगा मैं, जो इनसे हटकर, नियमों से हटकर अलग होते हैं उनके लिए विशेष। अब बाकी जो नियमों से चल रहे हैं लगभग प्रश्न उसी से हैं तो उनको पहले बात कर ले, फिर 1 या 2 प्रश्न ऐसे भी हैं जो थोड़े से नियमों से अलग होते हैं, उन को प्रश्नों को हम एक वीडियो अलग क्लास डालेंगे, उनको आप ध्यान से देखिए। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी उसमें देखिए क्या कहता है, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा। फिर दूसरा दे रखा है आपके लिए प्लस कोस थीटा, क्या दे रखा है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा। आपको लाना क्या है इसमें से, ये पूछना चाह रहा है आपके पास कि हमें लाना है कोसेक थीटा, क्या लाना है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये पाठ्यपुस्तक में प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न आप पाठ्यपुस्तक में देखिए और अब हल करते हैं। वही काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, कौन सा लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद पहला काम ये कीजिए, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज, नियम में परिवर्तन मत कीजिए, आपको काम जो बता रहा हूँ वही कीजिए। दिए गए पदों को किस में चेंज करते हैं, साइन और कोस में। तो देखो आप, साइन थीटा की जगह तो साइन थीटा, कोष्टक की जगह है कोष्टक, 1 की जगह है 1, प्लस की जगह है प्लस। हम टेन का सूत्र जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोष्टक कर दिया आप बन, आगे चिन्ह किसका, प्लस का, इस कोस थीटा की जगह कोस थीटा, कोष्टक की जगह है कोष्टक, इसका 1 की जगह है 1, प्लस की जगह है प्लस, ये कोट है, कोट का सूत्र जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमने पहला काम ये किया है कि दिए गए पदों को साइन और कोस में परिवर्तन किया है। परिवर्तन करने के बाद लघुत्तम लिखे क्या करो, 1 जगह। अब आप देखोगे इसके नीचे भी 1 मान सकता हूँ और इसके नीचे भी क्या मान सकता हूँ, 1। अब क्या लेता हूँ मैं, लघुत्तम, लघुत्तम लिया मैंने तो यहाँ से तो आ गया साइन थीटा, क्या आ गया साइन थीटा, यहाँ लघुत्तम क्या आपके पास कोस थीटा, क्या आ गया कोस थीटा, 1 का बाद या कोस बार कोस को 1 से गुणा तो क्या हुआ, कोस थीटा।
फिर आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा और कोष्ट कर दिया आप बंद। आगे चिन्ह किसका प्लस का, देखो कोष्ट थीटा की जगह तो कोस थीटा, कोष्ट की जगह कोष्ट, लघुत्तम क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, एक का भाग दिया साइन बार साइन को एक से गुणा किया तो क्या हुआ साइन थीटा, क्या हुआ साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस या क्या है कोस थीटा और कोष्ट कर दिया आप बंद। अभी नेक्स्ट काम, दूसरा काम, हमने पहला काम ये किया है कि दिए गए पदों को देखो साइन कोस में चेंज किया, चेंज करने के बाद लघुत्तम लेके एक जगह किया। अब अगला काम ये कहता है यदि कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन लेना चाहिए। आप ये देखोगे कि देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों प्लस में है, ये पद यहाँ भी है और ये पद यहाँ भी है, जो पद दोनों जगह से क्या लेते हैं हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन। तो आपने देखा यहाँ से यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो ये आ सकता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मैंने कॉमन लिया है, कॉमन करता है इसे बाहर ले लिया तो यहाँ से तो क्या बच गया है साइन थीटा बच गया, क्या बच गया है साइन थीटा, बटे की जगह है बटे, क्योंकि हमने ये चीज़ तो बाहर ले ली, ये साइन ऐसे कैसे बटे की जगह बटे, बटे में क्या बच रहा है कोस थीटा, तो हो गया कोस थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये देखो कोस थीटा की जगह कोस थीटा, बटे की जगह बटे, ये हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया साइन थीटा, क्या बच गया साइन थीटा और कोष्ट कर दिया आप बंद। अब इस कोष्ट को ध्यान से देखते हैं कि देखोगे आप कि पुनः दोनों पद अलग अलग है तो वापस क्या करते हैं एक जगह, क्योंकि ये बीच में देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है तो ये दोनों अलग अलग ही हैं, अलग अलग को वापस से एक जगह करने की प्रक्रिया कहते हैं लघुत्तम लेते हैं, क्या लेते हैं हम लघुत्तम। तो एलसीएम लेंगे हम लघुत्तम लेते हैं, देखो विद्यार्थी वो चल रहा है ऐसे चलने दीजिए आप, क्या चल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो कोस से तो कोस गया, क्या बच गया साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, साइन से साइन गया क्या कोस, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोस। पहले मैंने कहा था कि दोनों बड़े भाई एक जगह, दोनों बड़े भाई क्या है एक जगह, उनका मान कितना होता है एक, तो उनका मान कितना हो गया एक, तो इसे आगे मेल करता हूँ। आगे देखो आपके पास क्या हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोस्ट की जगह है कोस्ट, ऊपर दोनों का मान कितना हो गया एक, बटे की जगह है बटे, बटे में क्या है आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। अच्छा कोष्टक अर्थ क्या होता है गुणा होता है, कोष्टक अर्थ क्या होता है गुणा, ये पद इससे भी गुणा है ये पद इससे भी क्या है गुणा है, तो मैं इधर हल करता हूँ इसे देखना ध्यान से, फिर विद्यार्थियों मैं दोनों से गुणा करता हूँ, तो पहले से गुणा किया तो क्या हुआ आपके पास साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये प्लस का चिन्ह है, इसको इससे भी गुणा करते हैं तो क्या हुआ ऊपर हो गया कोस थीटा बटे में क्या आ रहा है आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए विद्यार्थियों साइन से साइन चला गया ऊपर आ गया एक, एक बटे कोस, एक बटे कोस किसका होता है सेक का, तो सेक थीटा प्लस की जगह प्लस, देखो कोस से कोस चला गया ऊपर आ गया एक बटे में क्या गया साइन, एक बटे साइन किसका होता है कोसेक का, किसका होता है कोसेक का, तो कोसेक थीटा। और ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमारी आ चुकी है इति सिद्धम। इस प्रकार ये 18 क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है विद्यार्थियों आपसे, ये दे रखा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा बराबर लाना आपके पास सेक थीटा, क्या लाना आपको सेक थीटा, ये चीज़ आपको दे रखी है सेक थीटा इसमें लाना है। अब देखिए विद्यार्थियों मैंने पहले भी कहा है लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इसे करोगे तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप छोड़ने के बजाय अच्छी तरह हल कीजिए, आप एक या दो बार इन वीडियो क्लासों को ध्यान से भी देख लोगे ना तो आपका प्रश्न सही होगा। देखिए विद्यार्थियों अभी मैं एक बात बताता हूँ आपके पास, यह कोस कितनी बार है तीन बार, यह कितनी बार है एक बार, इन दोनों में शायद कोस कॉमन है तो हम कोस कॉमन ले लें ताकि अगला काम भी हमारे साथ साथ में करें हम, तो ऐसे मैंने क्या ले लिया कोस कॉमन ले लिया, कोस थीटा क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो ऐसे क्या बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस की जगह प्लस, यह कोस कितनी बार है तीन बार, तीन का तो कितनी बार है तीन बार, तीन बार में से एक बार लिया तो कितनी बार बचा दो बार, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोष्ट कर दिया बंद।
प्लस की जगह प्लस, ये आ रहा है टेन। अब देखो हमें तो टेन नहीं चाहिए, साइन को उसमें परिवर्तन करना है, नियम वही है, तरीका वही है, साइन को उसमें परिवर्तन करते हैं। तो टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अच्छा डॉट की जगह डॉट और ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब आप देखो ये दोनों बड़े भाई एक जगह दिख रहे हैं आपको, इन दोनों का मान कितना हो गया एक, दोनों का मान कितना हो गया एक, तो ये ऐसे हो गया कोस थीटा। क्या हो गया कोस थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। बटे की जगह बटे बटे में क्या रहा है कोस थीटा, बटे में क्या रहा है कोस थीटा। अब इसके नीचे क्या मानता हूँ एक, और लघुत्तम लिख के वापस प्रक्रिया अपनाते हैं, क्योंकि जहाँ तक आपको हो सके दोनों पद अलग अलग है, ये करने के लिए लघुत्तम की प्रक्रिया अपनाते हैं हम। तो लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है आपके पास कोस थीटा, क्या गया कोस थीटा, एक का बाद या कोस बार कोस को एक से गुणा किया तो कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा सॉरी, आगे चिन्ह किसका प्लस का, कोस में कोस का बाद या एक बार एक को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोबारा देखोगे, दोबारा देखा आपने तो ये दोनों बड़े भाई वापस एक जगह दिख रहे हैं, तो इन दोनों का मान कितना हो गया एक, कितना हो गया एक, तो ये हो गया एक बटे कोस, एक बटे कोस थीटा। एक बटे कोस किसका होता है सेक थीटा का। आपको त्रिकोणमिति ये कहती है कि जहाँ भी सूत्र आपको अप्लाई होती दिखे वहाँ आप अप्लाई कीजिए, आपका काम आसानी से होगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी ये आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। आपको स्पीड थोड़ी तेज़ी मिलेगी, लेकिन एग्जाम को देखते हुए मैं स्पीड अपनी बरकरार रखना चाह रहा हूँ, ताकि एग्जाम से पहले आपका कोर्स संपूर्ण हो जाए। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके लिए 20वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम डालेंगे इसे। जो हमने 17 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दोनों सेम ही है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना बने, आपको कम समय में सार्थक चीज़ें आपकी हासिल हो जाए। एक वीडियो अलग से बना देंगे हम 10 या 15 मिनट का, उसमें जो प्रश्न अलग है दो थोड़े से अलग टाइप के, उन्हें मैं एक साथ डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देखे हुए। अगला प्रश्न दे रखा आपके पास 21वां प्रश्न क्या कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न संख्या 21 है। अब इस प्रश्न को, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, आपको इस प्रश्न में चेंज मत करो, बस कुछ एक एक या दो प्रश्न ऐसे होंगे इनमें परिवर्तन नहीं करना, आपको तो एक प्रश्न ये और एक प्रश्न और है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा आगे हल कीजिए, आपको आसानी से उत्तर प्राप्त होंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसे लेफ्ट हैंड साइड ली, कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिया। अब आपको साइन को उसमें परिवर्तन मन नहीं करना इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आप सूत्र के साथ ऐसे खोलूँ, आपके पास एक सर्वसमीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या सर्वसमीका आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर की सहायता से, की सहायता से ये सर्वसमीका है, इसका उपयोग ले रहे हैं इसकी साथ। तो देखो ए, ए की जगह तो आपके पास क्या है साइन है, बी की जगह आपके पास क्या है कोसेक है, तो इसकी सर्वसमीका का उपयोग ले रहे हैं। तो पहले ए, ए का मान क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस की जगह प्लस दो की जगह दो ए, ए का मान क्या है साइन थीटा कोसेक, बी का मान क्या है कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस बी, बी की जगह क्या है यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी की जगह तो क्या है कोसेक थीटा और स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, आगे चिन्ह किसका प्लस का। जैसे इसको हमने खोला है उसी प्रकार इसको भी हम परिवर्तन करते हैं सर्वसमीकरण की सहायता से, तो क्या हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस ए करना है विद्यार्थियों यहाँ थीटा की जगह, क्योंकि ये सब ए में दे रखा है, तो ए लिखना आपको कोण। फिर आगे देखो प्लस दो कोस ए सेक ए, कोस ए सेक ए प्लस, फिर सेक को सेक से गुणा के तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, थोड़ी थोड़ी बातें उनका विशेष ध्यान दीजिए। आपने देखोगे कि ये आपके पास क्या है साइन स्क्वायर, ये क्या है साइन स्क्वायर, ये क्या है कोस स्क्वायर। हम जानते हैं दोनों बड़े भाई होते हैं उनका मान कितना होता है एक, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मान कितना होता है एक, तीन दोनों को देख के लिखा एक। आगे तीन किसका है प्लस का, प्लस लगा दिया, दो की जगह दो, यहाँ से आप देखो ऊपर से पहला नीचे से पहला, ये दिख रहा है यहाँ से ऊपर से पहला नीचे से पहला, दोनों को गुणा किया तो कितना होता है एक। ये पहली सर्वसमीकरण हमने देखी थी कि ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया तो कितना हो गया एक, तो इन दोनों का मान कितना हो गया आपके पास एक, तो गुणा एक। आगे चिन्ह किसका प्लस का,
ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आगे की सरसमी का ध्यान रखनी पड़ेगी आपको पाँच के अलावा। तो आपने देखो कोसेक स्क्वायर आ रहा है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक कौन से नंबर पर आता है, छठे नंबर पर। तो देखो विषम में से विषम बाकी, सम में से सम बाकी, तो छठे नंबर में से चौथा नंबर क्या निकालना आपको, बाकी। तो आप जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र बनेगा क्या, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या बनता है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा देखिए क्या लग रहा है, ए। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, ये तो हो गया। देखो यहाँ से देखो ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, गुणा किया तो एक, ये दो की जगह है दो, इसका मान कितना हो गया एक, प्लस की जगह है प्लस। ये देखो सेक स्क्वायर आ रहा है, कह रहा है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कौन से नंबर पर आता है, पाँच नंबर पर। तो आपने एक सर्वसमिका देखी थी विषम से विषम बाकी, सम में से सम बाकी, तो विषम है विषम से विषम बाकी, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस के द्वारा किसमें गया प्लस का। तो सेक स्क्वायर सूत्र होता है एक प्लस टेन स्क्वायर, क्या होता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा ये क्या है, ए है। अब देखिए विद्यार्थी कुछ सर्वसमिक है, इनका साइड में आप लगा सकते हो, मैं एक साथ लिख के दिखा दूंगा आपको। देखिए एक की जगह एक, प्लस की जगह प्लस, दो को एक से दो एक कम दो, प्लस की जगह प्लस, एक की जगह एक, प्लस की जगह प्लस, या क्या है कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए, प्लस दो को एक से दो एक कम दो, प्लस एक, प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब आप देखो संख्याओं को जोड़ो, एक और दो तीन, एक चार, चार दो छः, एक सात, ये तो कितना हो गया सात, प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। और हमें ये चाहिए था, ये चीज़ आ चुकी है इटी सिद्धम। इस प्रश्न में क्या करना आपको कि जो सर्वसमिका एक्स्ट्रा सर्वसमिका दे रखी है पाँच के अलावा, एक दो प्रश्न मैंने कहा था पाँच के अलावा उनमें उपयोग करना है, तो इस सर्वसमिका में उनका उपयोग हो रहा है। इस प्रश्न में आप देखोगे जो एक्स्ट्रा सर्वसमिका है उनका उपयोग हो रहा है। आगे देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22 क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है साइन की घात आठ, साइन की घात आठ थीटा माइनस कोस की घात आठ थीटा बराबर लाना है आपके पास, क्या लाना है आपको, ये पूर्ण सिद्ध करवा रहा है आपको, दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिए विद्यार्थियों पहले कौन सा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, काम वही करना है LHS लेते हैं। यह कितनी घात है आठ घात है, आठ घात के पास आपके पास कोई सूत्र नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कितनी घात दो या कितनी घात तीन घात, इनका सूत्र है, आठ घात का कोई सूत्र नहीं है। तो आठ घात का सूत्र नहीं है तो इसे दो में या तीन घात में परिवर्तन कीजिए, तो इसे मैं दो घात में परिवर्तन करता हूँ। देखिए किस प्रकार परिवर्तन करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन की घात चार थीटा का होल स्क्वायर, चार दून कितनी होगी आठ, माइनस की जगह माइनस, यहाँ भी देखा कोट की घात चार थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो दो संख्या है दो दो घात है, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, तो बार जोड़ेंगे रे बार घटाएंगे। आपने एक सर्वसमिका देखी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए माइनस बी की सहायता से, इस सर्वसमिका की आप क्या ले रहे हो सहायता ले रहे हो, तो किस सहायता से। अब देखिए ए की जगह आपके पास यह क्या दे रखा है साइन की घात चार, क्या दे रखा है साइन की घात चार थीटा, फिर चिन्ह किसका प्लस का, प्लस लगा दिया। बी, बी की जगह क्या है कोस की घात चार थीटा, कोष्ट कर दिया आप बंद। अगले कोष्ट में देखो ए, ए की जगह क्या है साइन की घात चार थीटा माइनस बी, बी की जगह क्या है कोस की घात चार थीटा, चार थीटा। अब देखो विद्यार्थियों में तो दो घात मिलन है, चार घात में उत्तर चाहिए नहीं, दो घात मिलन है, तो एक काम करते हैं इन्हें वापस परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने इस प्रकार आठ घात को चार परिवर्तन किया चार और दो में, इसी प्रकार चार घात को भी परिवर्तन करते हैं। देखिए किस प्रकार परिवर्तन करेंगे हम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो घात में हुई, आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसे मैं परिवर्तन करूँ तो कोस की घात दो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कोष्ट कर दिया आप। इसी प्रकार इसे भी हम परिवर्तन करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन की घात दो थीटा का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि चार घात है दो अंदर दो बाहर। अब आपने देखा होगा एक प्रश्न आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक सर्वसमिका आई थी पहले हमने, आपने देखी हो तो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दो ए बी, माइनस दो ए बी। वैसे सर्वसम्मिक ये होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस दो ए बी, ये प्लस का इधर है इधर आते किसमें गया माइनस का। इस सर्वसम्मिक क्या लेते हैं हम सहायता लेते हैं सहायता से, यानी ये सूत्र हमारा इसकी हम सहायता ले रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों आगे हल करता हूँ मैं यहाँ से, अब ए इसके सूत्र के साथ ऐसे हमने बोला तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए, ए की जगह क्या है साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा और फिर क्या लग रहा है होल स्क्वायर, फिर चिन्ह किसका माइनस का, फिर कह रहा है दो ए बी, दो ए, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोष्टक कर दिया अब बार, ये पहले कोष्टक में दे रखा है उसे हमने हल कर लिया। अगला देखिए जो दूसरा कोष्टक ये देखिए ध्यान से, इसको देखते हम दो संख्या है दो दो घात है बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, तो एक बार जोड़ दे रे एक बार घटा दे, तो एक बार जोड़ा तो क्या हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा एक बार जोड़ दिया और एक बार घटाते हैं तो क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। आगे हल करते हैं हम विद्यार्थियों, आप ही देखोगे कि दोनों बड़े भाई एक जगह है तो उनका मान कितना हो गया एक, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर फिर चिन्ह किसका माइनस का स्क्वायर, से कैसे दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो यहाँ से देखते हैं ये दोनों बड़े भाई हैं एक जगह, इनका मान भी कितना हो गया एक, तो इसका जगह एक ये गुणा है ये ऐसे कि ऐसे, ये आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पद गुणा में है तो एक काम कर सकते हैं इसको पहले लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ ध्यान दीजिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में एक का स्क्वायर किया तो एक माइनस ये क्या आ गया आपके पास दो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोष्ट कर दिया आप बंद, क्योंकि देखो एक को एक से गुणा किया तो एक एक कम एक ही होता है और ये पद ऐसे कि ऐसे, इस प्रकार ये प्रश्न भी हल हुआ हमारा। अगला प्रश्न देख प्रश्न संख्या 23 23वां प्रश्न क्या कहता है अंडर रूट सेक थीटा माइनस एक, सेक थीटा माइनस एक सॉरी प्लस एक बटे सेक थीटा माइनस एक बराबर लाना आपके पास क्या लाना है आपको कोट थीटा, कोट थीटा प्लस सेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये आपको लाके दिखाना है। देखिए विद्यार्थियों त्रिकोणमिति हल करनी है तो वही दो तीन काम करते हैं हम, पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप दिए गए पद को साइन कोस में चेंज कीजिए, किसमें चेंज कीजिए साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो देखो हम चेंज करते हैं अंडर रूट की जगह अंडर रूट, आपने देखो ये क्या रहा है सेक, सेक का सूत्र होता है एक बटे कोस, एक बटे कोस थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, एक की जगह एक बटे की जगह बटे, इसी प्रकार इसको भी परिवर्तन करता हूँ तो एक बटे कोस थीटा माइनस का एक। अब देखो आगे लघुतम लेके एक जगह करते हैं, इसके नीचे एक मानता हूँ लिख क्या लेते हैं हम लघुतम, लघुतम लेके लिख क्या करते हैं एक जगह, तो लघुतम क्या है आपके पास कोस थीटा, कोस में कोस कबा दिया एक बार एक से गुणा किया एक प्लस की जगह प्लस एक कबा दिया कोस बार, तो कोस थीटा क्या गया आपके पास कोस थीटा, बटे की जगह बटे, इसी प्रकार इसमें भी लघुतम लिया, लघुतम क्या आपके पास कोस थीटा क्या गया कोस थीटा, यहाँ से देखो क्या गया एक माइनस एक इसके नीचे एक माना एक कबा दिया कोस बार, कोस को एक से गुणा किया गया आपके पास कोस थीटा, ये देखो इसके बटे में इसके बटे में दोनों में समान है तो आपस में कट गई, तो आगे क्या बच गया आपके पास अंडर रूट, क्या बच गया अंडर रूट एक प्लस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा बटे में क्या बच गया एक माइनस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। एक प्रश्न हमने पहले भी किया था, यदि आपके पास अंडर रूट आ रहा है तो उसका प्रमेयकरण कीजिए, हमने पहले परिवर्तन किया अब इसका क्या करते हैं हम प्रमेयकरण करते हैं, तो लिखेंगे प्रमेयकरण करने पर, प्रमेयकरण करने पर चलो करते हैं अंडर रूट की जगह अंडर रूट ये दे रखा है एक प्लस कोस थीटा बटे दे रखा है एक माइनस कोस थीटा
ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जो बट्टे में दे रखा है उसी से, लेकिन चिन्ह क्या लेना है विपरीत, तो किससे गुणा करेंगे, अंडर रूट एक प्लस कोस थीटा से, किससे गुणा करेंगे, एक प्लस कोस थीटा, बट्टे में लिया एक प्लस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा, ये देखो ये दो बार आ रहा है, तो क्या बन गया होल स्क्वायर। पहला ऐसा प्रश्न हमने कर भी लिया, उसी प्रकार सेम टू सेम है ये, एक प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में एक सर्वसम्मी का काम करिए, ए बार चिन्ह माइनस का, ए बार चिन्ह किसका है प्लस का, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर किया तो एक, माइनस की जगह माइनस कोस का स्क्वायर किया तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप दोबारा पुनः देखोगे कि एक माइनस कोस स्क्वायर, एक माइनस कोस स्क्वायर, ये किसका होता है साइन स्क्वायर का होता है, किसका होता है साइन स्क्वायर का, तो एक प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, बट्टे की जगह बट्टे, ये किसका होता है साइन स्क्वायर का होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडरूट में दो बार है, तो बार कितनी बार आएगी एक बार, तो एक प्लस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या रहा आपके पास साइन थीटा, ये लघुत्तम इसके नीचे भी है, ये लघुत्तम इसके नीचे भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक बट्टे साइन थीटा, एक बट्टे साइन थीटा, प्लस ये आ गया आपके पास कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस बटे साइन किसका होता है आपके पास कोट का होता है, तो ये क्या गया कोट थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, एक बटे साइन किसका होता है कोसे का, किसका होता है कोसे का, प्लस में आगे पीछे लिखो कोई समस्या नहीं है, और ये हमें चाहिए ये थी सिद्धम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब बार पूछे गए और ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है आपसे, ये कह रहा है एक प्लस कोट थीटा प्लस टैन थीटा, टैन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बट्टे में क्या दे रखा है आपके पास, बट्टे में दे रखा है सेक थीटा, सेक की घात तीन थीटा माइनस कोसेक की घात तीन थीटा, कोसे की घात तीन थीटा, बराबर क्या लाना है आपको, बराबर लाना है साइन स्क्वायर थीटा, क्या लाना है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको लाके दिखाना है। ऐसे प्रश्न खूब बार पूछे गए एग्जाम में, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पहले वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस लेते हैं, क्या लेते हैं हम एल एच एस, एल एच एस लेने के बाद तरीका वही काम में लेना है हमेशा, बस गणित की कुछ प्रक्रिया वो उपयोग लेनी है, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं ऐसे, तो देखो आपको क्या करना है, पहला काम साइन कोस में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, आप साइन और कोस में चेंज कीजिए, तो हम परिवर्तन करते हैं, आपने देखा है क्या देखा कि एक की जगह एक प्लस की जगह प्लस, ये क्या रहा है कोट, कोट का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, सॉरी कोस बटे साइन, क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, टेन का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस्ट कर दिया आप बंद, ये चेंज करने की आवश्यकता था, ये तो ऑलरेडी चेंज है, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में आपके पास देखिए ये क्या रहा है कोसेक, क्या रहा है कोसेक, कोसेक का सूत्र आप जानते हो क्या, सॉरी सेक आ रहा है, सेक का सूत्र आप जानते हो आप, एक बटे कोस, क्या आता है एक बटे कोस, इसकी तीन घात है तीन घात तीन थीटा, माइनस की जगह माइनस, यारा कोसेक, कोसेक का सूत्र आप जानते हो एक बटे साइन, क्या होता है एक बटे साइन, तीन घात है तीन घात, ये लगा दे थीटा। अब देखो पहला काम नियम वही है, तरीका वही है, पहला काम साइन कोस में चेंज कीजिए, दूसरा काम लघुत्तम लेके एक जगह कीजिए, तीसरा काम यदि कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन लीजिए, और फिर यदि कोई सूत्र आपको अप्लाई होते हुए दिखते बीच में तो वो अप्लाई कीजिए। आप पाओगे इसमें कि इसके नीचे एक मान करके ले तो मैं लघुत्तम, लघुत्तम लिया ऊपर वाले में, तो देखो लघुत्तम क्या है, लघुत्तम है साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा इसका भाग दिया एक का, तो ये इतनी बार गया साइन कोस ऐसे कैसे, तो क्या हुआ साइन साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, साइन से साइन गया क्या है कोस, कोस को कोस से गुणा है तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, आगे चिन्ह किसका है प्लस का, जो कोस से तो कोस का क्या बच गया साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोष्ट कर दिया आप बंद, ये ऐसे की ऐसे, ये आपके पास क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्ट कर दिया आप बंद,
बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में आप देखोगे इसमें भी दोनों पद अलग अलग है, तो लघुत्तम लिखे एक जगह इसमें भी कीजिए। लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है, दोनों का गुणा क्या आ गया आपके पास, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। देखो कोस क्यूब तो चला गया, क्या बच गया, साइन क्यूब, साइन क्यूब क्यों एक से गुणा किया तो क्या हुआ, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। चिन्ह किसका, माइनस का। देखो कोस क्यूब से साइन क्यूब से साइन क्यूब चला गया, क्या बच गया, कोस क्यूब, इसको गुणा किया तो क्या हुआ, कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। आगे देखते हैं हम विद्यार्थियों, मैं इसको मिटाता हूँ। आपने लघुत्तम लिया पहला, अब देखो गणित की प्रक्रिया क्या कहती है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, चार संख्या हो तो अंश हर में, हर किस में परिवर्तन होता है, अंश में, तो इसको परिवर्तन करते हैं हम। तो आपके पास देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे आप, इससे पहले एक चीज़ और भी देखो, यहाँ दोनों बड़े भाई एक जगह दिख रहे हैं, दोनों बड़े भाई क्या दिख रहे हैं, एक जगह, तो इनका मान कितना हो गया एक। तो पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस का एक, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में आपके पास क्या रहा है, साइन थीटा, क्या रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ये तो पहले कोष्ट में है, ये ऐसे कैसे, ये दूसरा कोष्ट कैसे कैसे है, आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, चार संख्या है, तो अंश हर में, हर किस में परिवर्तन होगा, अंश में, तो ये तो चला गया सबसे ऊपर, ये ऐसे नीचे के नीचे रह जाएगा, तो यहाँ से ले जाएगा गुणा, ये क्या हो जाएगा, कोस की घात तीन थीटा और साइन की घात तीन थीटा, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या आ रहा है आपके पास, साइन की घात तीन थीटा, साइन की घात तीन थीटा माइनस कोस की घात तीन थीटा, कोस की घात तीन थीटा। आप देखोगे कि ये देखो साइन कितनी बार है, तीन बार, ये कितनी बार है, एक बार, ये कोस कितनी बार है, तीन बार, ये कितनी बार है, एक बार, तो आप इनको काटोगे तो तीन में से एक ही बार चला गया, तो कितनी बार बचा, दो दो बार, ये कितनी बार बच गया, दो बार। अब इसमें देखोगे आप एक की घात तीन माइनस बी की घात तीन, एक सर्वसमीकरण देखी थी हमने, क्या देखी थी, एक की घात तीन माइनस बी की घात तीन बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की सहायता से, की सहायता से, पहले भी लिखा दिया मैंने सर्वसमी का, इसका उपयोग लेते हैं। देखो इसका उपयोग लेके हल करते हैं, थोड़ा सा काम इसमें है, ये सर्वसमी का उपयोग होते हैं, वहाँ अप्लाई करना चाहिए, जहाँ उपयोग हो वहाँ वैसे वैसे काम कीजिए आप। तो देखो यहाँ से देखते हैं, ये तो ऐसे कैसे चल रहा हमारा, क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक, पहले कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में क्या चल रहा है आपके पास, यहाँ से चल रहा है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि बटे वाली संख्या तो कट गई है, अच्छा चल गया। फिर आगे गुणा, यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, कोस की घात दो थीटा और साइन की घात दो थीटा, क्योंकि तीन घात थी, एक घात कट गई है, तो दो घात बच चुकी है आपके पास, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में सूत्र काम कर रहा है ए माइनस बी, एक ही देखा है यहाँ साइन, एक ही देखा है साइन, तो साइन थीटा माइनस बी की जगह क्या है, कोस, कोस थीटा, पहले कोष्टक में। अगला फिर आ रहा है ए स्क्वायर, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर, क्या हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी की जगह मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर है आपके पास, क्या है, कोस, और इस पर स्क्वायर लगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक कर दिया आप। आप देखोगे कि ए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपस में कट गया। आगे देखो यहाँ से ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक, फिर पहले कोष्टक में ये, दूसरे आगे बच रहा है आपके पास गुणा के रूप में, क्या बच रहा है, कोस की घात दो थीटा, साइन की घात दो थीटा, साइन की घात दो थीटा, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में भी आप पाओगे कि ये देखिए ये दोनों बड़े भाई एक जगह है, ये दोनों बड़े भाई क्या है, एक जगह है, तो इनका मान कितना हो गया एक, तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, यहाँ से बचा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, प्लस प्लस की संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है एक, तो इसका मान कितना कहा एक, ये दोनों समान आपस में कट गए, कट गए तो आपके पास क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इति सिद्धम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब बार पूछे गए और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आसान है, एक या दो बार इन्हें हल करोगे आप, आसानी से नंबर आएंगे आपके, इसका आंसर है, आप इसे हल कीजिए और ये आपके पास आंसर लाके दिखाइए।
LHS लेते, क्या लेते हैं हम LHS। देखिए विद्यार्थियों काम वही करना है, मैंने कहा है एक ही तरीका अपना ही, नया तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम करते हैं हम दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज, साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है, फिर क्या कहते हैं लघुतम लिखे क्या करना है आपको एक जगह, लघुतम लिखे क्या करना है एक जगह, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो क्या करते हैं एक जगह करते हैं लघुतम लेते हैं, क्या लेते हैं हम लघुतम। तो देखो आप लघुतम पाओगे कि यदि कुछ भी नहीं समझ में आए तो दोनों का गुणा कर दो, दोनों का क्या कर दो गुणा, ये क्या कहलाता है लघुतम। लघुतम आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा दूसरे में आया आपके पास साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब लघुतम का इसमें भाग लगाते हैं तो देखो माइनस वाला तो चला गया, कौन सा बच गया प्लस वाला, या भी कौन सा है प्लस वाला है, तो दोनों समान है तो क्या बन गया होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये प्लस वाला तो चला गया, कौन सा बच गया माइनस वाला, माइनस वाला को इससे गुणा किया तो होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप पाओगे इसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमी का काम करिए तो आप उस सर्वसमी कैसे खोलते हैं, तो इसे हल्के हमने तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा, दो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसको हल किया तो क्या हुआ आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसे भी ऐसे ही हल करते हैं तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस दो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, बट्टे में पाओगे कि ए बार चिन्ह किसका है माइनस का, ए बार चिन्ह किसका है प्लस का, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए विद्यार्थी जो संख्या करते हो उसे काटिए, ये माइनस वाला दोनों में समान है आपस में कट गए, ठीक है। आगे देखो यहाँ से देखा ये और ये दोनों बड़े भाई एक जगह, उनका मान कितना हो गया एक, तो ये तो हो गया एक, फिर आगे चिन्ह किसका है प्लस का, प्लस लगा दिया हमने। आगे देखो ये दोनों बड़े भाई भी एक जगह, उनका मान भी कितना हो गया एक, बट्टे की जगह है बट्टे। अब बट्टे में यदि ये लाना है आपके पास क्या लाना है कोस, तो किसको परिवर्तन कीजिए साइन को, यदि साइन लाना है तो किसको परिवर्तन कीजिए कोस को, तो आपको क्या लाना है कोस लाना है, क्या लाना है कोस, तो साइन को परिवर्तन करते हैं, किसको परिवर्तन करते हैं साइन को। मैं साइन का सूत्र जानता हूँ क्या होता है एक माइनस कोस, क्या होता है एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका माइनस का, कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो एक रे कितना होता है दो, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में देखो एक की जगह एक, माइनस की जगह माइनस कोस, देखो एक ही रहा एक ही रहा, तो कितना हुआ दो, दो कोस स्क्वायर थीटा, ये गुणा नहीं है, जुड़ेंगे माइनस का एक, माइनस का एक कितना माइनस का दो। यदि आपको साइन में परिवर्तन करना है, किस में परिवर्तन करना है साइन में, तो इस कोस की जगह आप क्या रखो एक माइनस साइन, एक माइनस साइन, आप पाओगे आसानी से हल कर पाओगे इसमें इति।